बहावलनगर में एक रात कबल रवान साल की सबसे बड़ी डकैती। डाकू सारे की दुकान से 3 किलो से जायद सोना और 15 लाख नकदी लेकर फरार हो गया। थाना डिवीजन ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। डीपीओ काड़ा डकैती की वारदात का उन्होंने नोटिस ले लिया। मुतासर ज्वेलर को जल्द मुलजमान गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। केहड़ पक्का में महंगाई का इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतों को छक्का। एसी, कूलर, पंखे और वॉशिंग मशीन की कीमतों में बड़ा इजाफा। एसी की कीमत में 20 से 25 हजार का इजाफा। एयर कूलर भी 3 से 4 हजार रुपए तक महंगा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान महंगा होने से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान। महंगाई ने महंगाई, जमात इस्लामी सड़कों पर निकल आई। खानेवाल में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना। जिले अमीर का पुलिस पर टेंट उखाड़ने का इल्जाम। मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं तब्दीली सरकार में करप्शन कई गुना बढ़ गई। अदम इतमाद पास हो जाए या ना हो, सियासी मुताला आगे बढ़ेगा। अशिया खुरदोश के महंगे घी का तड़का। भावलपुर में दर्जा 2 घी की कीमत भी आसमान को छूने लगी। 4 रोज के दौरान 12 किलो का कार्टन की कीमत 200 रुपये का इजाफा हो गया। कीमत 4,950 रुपये से 5,169 रुपये हो गई। कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे पर शहरी परेशान। हुकूमत से आवाम के हाल पर रहम करने का मुतालिब। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड स्कूल्स के हजारों असातिज़ा रुल गए। ग्रेड 16 से ऊपर के असातिज़ा को मुश्किली के लिए पीपीएससी का इम्तिहान देना होगा। बोर्ड ने तमाम असातिज़ा से बयान हल्फी मांग लिया। फेल होने वाले असातिज़ा मुस्तकली की डिमांड नहीं कर सकेंगे। नाकाम असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड मंसूख करने का मजाज होगा। डेरी खान के किफालत सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। बैठने की जगह न पीने के पानी का इंतजाम। लाखों रुपए का कैश तकसीम होने के बावजूद सिक्योरिटी जीरो। असिस्टेंट डायरेक्टर किफालत सेंटर ने कहा कि सहूलियात फराहम करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। स्कूलों में कायम एहसास किफालत सेंटर तलबा के लिए दर्द सर। गवर्नमेंट मॉडल हायर स्कूल मियाबाली में तलबा का पढ़ना मुश्किल हो गया। तलबा की हुकूमत से सेंटर को दूसरी जगह मुंतकिल करने की अपील। उधर बहावलनगर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सेंटर भी मुस्तहकीन को परेशानी देने लगा। अरबाब इख्तियार से नोटिस देने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जामपुर के प्रिंसिपल के खिलाफ तलबा के वालदेन का एहतजाज। प्रिंसिपल मजहर गुलस्तान पर वालदेन और स्टाफ के साथ नारवा रवैये का इल्जाम। डीसी राजनपुर अदनान महमूदाबाद मौके पर पहुंच गए। 1 माह तक मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करार। दुनियापुर का इकलौता मेजर आमिर आजम शहीद पार्क उजड़ गया। इंतजामिया की गफलत और चश्मपोशी से पार्क में खारदार झाड़ियों की भरमार। सैर के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। उधर उज शरीफ जगपुरा का सिविल सिस्टम नकारा। गंदे पानी और ताफुन में मुश्किल हो गया करना गुजारा। ताफुन के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा। डॉल्फिन फोर्स मुल्तान अपनी इमारत ना होने से परेशान। 5 साल गुजरने के बावजूद भी बिल्डिंग मुकम्मल ना हो सकी। 2 साल कबल मुकम्मल होने वाला 15 करोड़ का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालिब। बिजली के बिल की अकसात कराने अब दफातर नहीं जाना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन के लिए नया कानून। बिलों की मुकर्रा तारीख में तोसी और अकसात का तरीकाकार तब्दील करने का फैसला। अकसात और तोसी ऑनलाइन हो सकेगी। 15 मार्च के बाद मैनुअल बिल्स बैंकों के बजाय दफातर में जमा होंगे। अक़वामे मुत्तहिदा पाकिस्तान और जनूबी पंजाब सेक्रेटरी की मुश्तरका काबिश। 2 रोजा डेवलपमेंट डायलॉग इख्तिताम पसीर। मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों यूरोपीय यूनियन और WFP के नुमाइंदों ने शिरकत की। अहमदपुर सरकिया बैतुल माल कमेटी बहावलपुर की जिना हॉल में तकरीब हुई। 145 अफराद में 8,65,000 के चेक तकसीम किए गए। मुस्तक अफराद में 5,000 के इमदादी चेक, 20,000 के जहेज फंड चेक और 30,000 के तालीमी चेक किए गए। लैया जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर एम्स कैंपस के जरिए तमाम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दूसरे दिन महफिल मुशायरा तवज्जो का मरकज बन गया। नामवर मुहक्किक और शोरा और अदीबों ने अपने ख्याल के इजहार किया।
जीसी लाहौर समेत मिस्र और ईरान से भी शख्सियात की शिरकत। शहरे औलिया के मजारात को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। हजरत बहाउद्दीन जकरी रहमतुल्लाह अलैह और शाहरुख ने आलम पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू। मजार पर 538 केवी वॉट की 8 सोलर से ज्यादा प्लेटें लगाई जाएंगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। रुकन सूबाई असम्बली और मुशीर सेहत हनीफ खान फताफी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का जश्न डी चौक पर मनाया जाएगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़ार के साथ खड़े हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने पर गौर। महकमा खजाना समरी आज काबीना को इरसाल करेगा। अलाउंस देने से खजाने पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। अपनी फैसला काबीना करेगी। बहावलनगर गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फैमिली गाला, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। खवातीन की जानिब से स्टॉल्स पर रियायती नरखों को सराहा गया। फूलों की नुमाइश भी तवज्जो का मरकज बनी रही। और बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी सब कैंपस में बहार फेस्टिवल। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर फेस्टिवल को चार चांद लगा दिए। सराइकी गानों पर तलबा ने झूमर डालकर खूब रंग जमाया।